मित्रों, बूढ़े होने पर हर व्यक्ति प्राध्यापक लगने लगा। लेकिन मैं प्राध्यापक सिर्फ 2 बरस रहा हूँ। हालांकि जिंदगी भर मैं साहित्य की वकालत तो करता रहा हूँ। स्वामी कहेंगे वन हैव बीन प्रोफेसिंग लिटरेचर ऑफ वंस लाइफ बट आई एम नॉट ए प्रोफेसर। महाराज ग्रंथ संग्रहालय में ये सम्मान दे रहा है तो लेने में हर्ज क्या है। आदरणीय शरद पवार जी, भालचंद निमाड़े और दूसरे भी भालचंद, दो भालचंद रहे, मैं बेचारा अशोक कहाँ फंस गया। और श्री रवींद्र गावड़े, मैं इसे बहुत सम्मान की बात मानता हूँ कि आपने मुझे अपने 125वें वर्ष पूरे होने पर याद किया। मैं याद कर रहा था कि ऐसी ही एक संस्था बनारस में बनी थी इससे भी 5 बरस पहले, और उसकी ये दुर्दशा है कि अदालतों में मामले चल रहे हैं और एक अदालत के ने फैसला किया कि वहाँ चुनाव किए जाएं, तो शायद दूसरी अदालत ने भी कहा है कि नहीं, चुनाव तो कर दिए जाएं लेकिन अभी कार्यभार न सौंपा जाए। तो मैं उस भाषा से आया हूँ जिस भाषा में पुस्तक, जो भाषा पुस्तक प्रेम के लिए कुख्यात है, वहाँ पुस्तक प्रेमी बहुत कम है। हमारी जनसंख्या तो बहुत अधिक है और तो पाठक संख्या अनुपात में बहुत कम है। तो बहरहाल इसके बावजूद हम लोग उस भाषा में लिखते हैं क्योंकि वही एक भाषा है जो हमको आती है। पर महाराष्ट्र के प्रति मैं हिंदी की ओर से कृतज्ञता ज्ञापन भी करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो उत्तर भारत में नष्ट हो गई या वहाँ से गायब हो गई, उनको बचाने का काम महाराष्ट्र ने किया। जैसे सारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के घराने उत्तर भारत में, उनके नाम ही उत्तर भारत के शहरों पर थे, ग्वालियर, आगरा, किराना, पटियाला, बनारस, लखनऊ, ये सब वहां से गए, पर इनको बचाया है महाराष्ट्र ने और धारवाड़। दूसरा, आधुनिकता के लोक में जो साहित्य के लोकतंत्र का विस्तार हुआ, उस विस्तार में भी महाराष्ट्र अग्रणी रहा है। आपके यहाँ दलित साहित्य बहुत पहले आया, हिंदी में मुश्किल तमाम पिछले 20 वर्षों से दलित बोलने लगे, इसमें भी लोकतंत्र के विस्तार में भी आपकी अग्रणी भूमिका रही है। मैं महाराष्ट्र के कई में परभणी में मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन करने गया था, और मैंने जिंदगी में हिंदी में अपनी भाषा के साहित्य के प्रेम के कारण इतने हजार लोगों को एकत्र होते कभी नहीं देखा, तो मेरे लिए बहुत ही रोमांचक अनुभव था। तीसरी बात कि आधुनिक चित्रकला, आधुनिक रंगमंच और आधुनिक सिनेमा में महाराष्ट्र अग्रणी रहा है। मैं याद करना चाहता हूँ 1947 में बम्बई में, तब बम्बई कहलाता था, हमारे जुबान पर अभी तक मुंबई चला है, तो इसके लिए माफ कीजिएगा, क्योंकि हमने जब इसका नाम सुनना शुरू किया तो बम्बई भी सुनते थे। 3-2 मुसलमानों, 1 ईसाई और 3 हिंदुओं ने मिलकर 1947 में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना की। इसके संस्थापकों में थे सैयद हैदर रजा, मकबूल किताब हुसैन, फ्रांसिस न्यूटन सूजा और आरा बाकरे और ग्यारह।
सोचिए जब हमारा बंटवारा होने होने को था और सांप्रदायिक तनाव बहुत गहरा ऊंचा हो चुका था, तब इन लोगों ने भारत के उस विचार से प्रेरित होकर जो उसका मूल विचार है बहुलता का, एक नया कलाकार संघ स्थापित किया। तो सबसे पहले तो मैं इसके मैं याद करता हूं कि दुर्भाग्य से ही सही मुझे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का पहला कुलपति बनाया गया। अब समस्या ये थी कि वर्धा में जमीन मिलने में कुछ ब्यूरोक्रेटिक किस्म की अड़चनें थी। जो शरद पवार जी दिल्ली में रहते थे और उनके एक सहयोगी थे देवी प्रसाद त्रिपाठी, जो मेरे भी मित्र थे, तो वो एकमात्र राजनेता थे। वो कभी कभी लेखकों कलाकारों से भी मिलते थे, बाकी राजनेता दिल्ली में तो लेखकों कलाकारों से नहीं मिलते, उनको उपदेश जरूर देते हैं कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, और उनको झांसा भी देते हैं कि आपकी वजह से समाज बदलता है क्या क्या, ऐसा कहते हुए उनको शर्म नहीं आती क्योंकि उनको ये पक्का यकीन होता है कि इनके बदले नहीं बदलेगा, बदलेंगे तो हम ही। ऐसा झांसा भी वो सार्वजनिक रूप से तो देते हैं लेकिन उनके घर जाने का मौका नहीं मिलता था। तो दो तीन बार तो मैंने उनसे एक दिन यकायक मेंशन किया तो पवार साहब ने फौरन ही मुख्य सचिव को फोन लगाया और बहुत जल्दी हमको वो जमीन मिल गई। बहरहाल मैंने जो अपना विषय चुना है वो है हमारा समय और साहित्य। आप सब चतुर सुजान हैं, पुस्तक प्रेमी हैं, मुझे ये संदेह है कि सभी लोग यहाँ जो है वो पुस्तक प्रेमी हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो भी, लेकिन तो बहुत कुछ आप जानते ही होंगे। तो मैं कहने जा रहा हूँ, मैं कोई नई बात कोई नया दूर की कौड़ी लाने नहीं जाता। हमारा जो समय है उसका पहला गुण तो ये है कि वो झूठ नफरत हिंसा हत्या बलात्कार का बुलडोजिंग समय है। इसमें भी ये बड़ी दिलचस्प बात है कि स्त्रियों बच्चों आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के विरुद्ध जघन्य अपराधों यानी हत्या हिंसा बलात्कार आदि के अपराधों का जो राष्ट्रीय आंकड़ा है उसका लगभग 70% हिंदी प्रदेशों में होता है। तो मैं इसका एक तरह से लाचार और चश्मदीद गवाह। दूसरा, धर्मांतरता सांप्रदायिकता और जातिवाद के बहुत ही आक्रामक विस्तार का समय। तीसरा, झूठ फैलाने वाले झूठ बोलने वाले इनकी संख्या बहुत बढ़ी, पर इतना ही नहीं है झूठ में विश्वास करने वाले लोगों की संख्या भी बहुत बढ़ी। तो ये ज्यादा खतरनाक बात है और वो लगातार बढ़ती जाती है। और सच जो है या सच्चाई आप कहें वो अल्पसंख्यक है, वो बेचारा सच दुबका हुआ सा सहमा हुआ सा कहीं थके हाल सा कभी कभी जीत जाता है, जैसे कल कहा गया कि वो जीत गया, खुदा जाने जीता कि नहीं, लेकिन आम तौर पर हमारे समय में सच अल्पसंख्यक है। उसको बोलने वाले भी कम हैं, उसकी प्रतीक्षा करने वाले भी कम हैं और उस पर यकीन करने वाले भी कम हैं। पांचवी बात यह है कि राजनीति की सर्वग्रासिता बढ़ी है। अब राजनीति तय करेगी कि हम क्या कपड़े पहने न पहने, क्या खाएं न खाएं, हम केदारनाथ की गुफा में चिंतन करेंगे सो राजनीति है, हम अभयारण्य में जीते छोड़ेंगे सो राजनीति है, हम दुनिया भर के जो भी कुछ करेंगे आपको नहीं करने देंगे ये सब राजनीति। तो राजनीति
क्या सर्वग्रासिका हमारा जीवन अकेली राजनीति है, इसमें और बहुत सारी चीजें हैं, हमारा जीवन व्यापार करता रहता है, लेकिन हर चीज पर अब राजनीति की काली छाया पड़ती है। फिर असहमति विरोध प्रतिरोध का लगभग अपराधीकरण कर दिया गया। 2015 में भारत के कुछ लेखकों में, जिनमें मैं भी शामिल था, अपनी साहित्य अकादमी और अन्य पुरस्कार असहिष्णुता के विरोध में वापस किए, तो इतना बुरा लगा सत्ता को कि हमको आवाज वापसी गैंग कहा जाए, बल्कि मैं अपना परिचय करके खूब लेना पड़े तो मैं कहता कि मैं अवार्ड वापसी गैंग का एक नामी गैंगस्टर हूं। हालांकि इनमें से किसी ने किसी से पूछा नहीं था, ये स्वतः स्फूर्त अभियान था, क्योंकि हम लोग बहुत चिंतित थे, लेकिन अब कोई असहमति करते, कोई विरोध करते, कोई विरोध करते तो ये अपराध और दंडनीय है। मीडिया का और जो बहुत ही साधन संपन्न मीडिया है, संभवतः यहां भी होगा या शायद यहां क्यों होगा, उसके लिए ये कोई अवसर तो नहीं होगा जिसको वो कवर करना चाहे, हो सकता है पवार साहब की वजह से हो, लेकिन हम लोगों की वजह से तो नहीं होगा, तो हम लोग किस खेत की मूली है उसके लिए। तो ये जो सावन साधन संपन्न ये सत्ता से प्रश्न पूछने के बजाय विपक्ष से प्रश्न पूछता है, ये सत्ता की स्तुति करता रहता है, उसकी भक्ति करता रहता है, उसका बचाव करता रहता है और झूठ फैलाता है, नफरत फैलाता है। तो एक अजब स्थिति है कि जिस शब्दों का इस्तेमाल लेखक करते हैं उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल ज्यादातर राजनेता, अधिकांश धर्म नेता झूठ बोलने नफरत फैलाने के लिए करते हैं, और उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल मीडिया स्तुति करने, बचाव करने, अपनी भक्ति और वफादारी प्रकट करने के लिए करता है। तो भाषा में एक अजब किस्म के तनाव की स्थिति पैदा होती रहती है। धर्म और राजनीति के संबंध में पहले भी कुछ तनाव होते रहे हैं दोनों के बीच, लेकिन धर्मों ने राजनीति का अनुचर बन जाने का ऐसा प्रयास पहले कभी नहीं किया जितना आज कर रहे हैं। कम से कम हिंदू धर्म के ज्यादातर धार्मिक नेता इस समय राजनीति के प्रचार में, वो धर्म का प्रचार जितना करते हैं उतना करते हैं खुदा जाने हैं, खुदा ही जाने के क्योंकि खुदा ही उनका जज है, लेकिन वो धर्मों ने हमारे सारे धर्म लोकतंत्र से पिछड़ गए थे। भारत में जब एक नया संविधान आया तो अखंडता, समता, न्याय और भाईचारा ये बुनियादी मूल्य हमारे दलित यहाँ जा सकते हैं, जा सकते हैं। अभी की खबर बनती है कि दलित मंदिर में चले गए, जैसे मंदिरों के में जो देवता रहते हैं तो उनको भी आश्चर्य हुआ होगा कि अरे इतनी सदियों बाद ये कौन आ गया है, इसको हमने इतने सदियों तक अपने यहाँ प्रवेश तक से वर्जित कर रखा था। थोड़ी बहुत देवताओं को भी तो शर्म आती होगी, अगर आदमियों में नहीं आती तो क्या किया। फिर लोकतांत्रिक पद्धतियों का इस्तेमाल करके हर दिन लोकतंत्र में कटौती हुआ, और सारी लोकतांत्रिक पद्धतियां लोग चुने गए हैं इसलिए उनको ये अधिकार, तो एक तरह की मर्यादाहीनता और लोकतंत्र में ही एक तरह का एक तंत्र बनाने की चेष्टा बहुत ही खुले आम हर दिन हो रही है। ज्ञान का इतना अपमान पहले कभी नहीं होता, क्योंकि यथायथ
कम से कम उत्तर भारत में ऐसे लोग जिनके ज्ञान के बारे में साधारण व्यक्ति संदेह कर सकता वो ज्ञान के बारे में फैसला देते रहते, जिनकी डिग्री तक का पता नहीं है वो भी हमको ज्ञान बढ़ाते रहते, वो ये कहते रहते हैं अज्ञान का ऐसा महिमा मंडन और ज्ञान की ऐसी अवज्ञा। कम से कम हमारे दो ग्रंथ में तो पहले थे, अब जो जितना कम जानता है वो उतना ही ज्यादा बोलता है। या आप मुझे पर गाली ना कहिएगा, आपने मुझे बोलने के लिए बुलाया। तो फिर हिंसा, हत्या, बलात्कार, लिंचिंग, ये सब सामाजिक अभिव्यक्ति के लगभग कानूनी माध्यम बन गए। किसी आदमी ने मान लीजिए गलत भी कुछ किया, तो किस कानून के तहत आप उसका घर बुलडोज कर सकते हैं? लेकिन नहीं, कोई अदालत पूछ रही है ना, अदालत के पास कोई जा रहा है, तो हर जगह एक तरह का नष्ट करने का उत्साह और बनाने का काम, हर चीज को बदलने का उत्साह और उसके विकल्प में कुछ करने का जतन कम, ये हमारे समय एक और सफल। संवैधानिक संस्थाओं का नैतिक पतन हो चुका है। चुनाव आयोग से लेकर जितनी भी आप संवैधानिक संस्थाएं सोच सकते हैं, उन सब में अंतःकरण को उन्होंने निगम बोध घाट पर जो कि दिल्ली का प्रसिद्ध श्मशान है उसमें उसकी अंत्येष्टि कर दी। कोई अंतःकरण संवैधान के अंतःकरण नहीं बचा, थोड़ा बहुत बचा भी है तो सर्वोच्च न्यायालय में बचा। अब सर्वोच्च न्यायालय का अंतःकरण बचा रहे और बाकी सब न्यायालयों का धीरे धीरे घटता रहे, तो इससे हम और आपको क्या लाभ होने वाला? हमें से कितने लोग सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं? लोकतांत्रिक नागरिकों को प्रजा में बदलने का प्रयत्न, हम राजा हैं तुम प्रजा, हम तुम्हारी देखभाल करेंगे, तुमको अधिकार नहीं है तुमने कहा तो क्या हो, हमारी मर्जी है, हमारी मेहरबानी है, हम बड़े कृपावंत हैं, हम बड़े दयालु हैं इत्यादि इत्यादि। इसका प्रमाण तो है कि हजारों लोगों की हत्या करा दी फिर भी हम दयालु। तो बहरहाल ये स्थिति और भय, लालच और स्वार्थ, इससे नई सामुदायिकता विकसित हुई है। ज्यादातर लोग डरे और ज्यादातर लोगों को डराने वाले और आगे, और अगर आप डरे हुए न हो या कम से कम निर्भय हो तो कोई कहेगा क्यों झंझट में पड़ते हो, अरे तुम्हारी उम्र हो गई 83 बरस हो गई, अब कबर का ख्याल रखते हैं क्यों, हाँ हाँ ये सब करते। तो डर, डराने वाले लोग और डर आप में न हो तो दूसरे किस्म का डर दिखाने वाले लोग, और कुछ नहीं तो आपकी उम्र और आसन मृत्यु का भय दिखाने वाले लोग भी बढ़ते जा रहे। एक और बात जो बहुत फैल गई है कि दुनिया चीजों से बदलती है, विचारों से। हम लोग भी मानते आए हैं कि दुनिया को बदलने के लिए विचार चाहिए, बड़े बड़े विचार हुए जिन्होंने दुनिया को बदला है। अब लेकिन चीजों की बहुतायत, इतनी बहुतायत, इतनी चीजें हैं कि हमारे घर जो है गोदाम है, हमें से हर एक का घर चीजों का गोदाम बना, हमें से हर एक ने घरों से ज्यादा चीजें खरीद रखी है जिनको हमको कोई जरूरत नहीं। ये उस देश में हो रहा है जिस देश की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा सेनानी 500 रुपए में बनाई गई कुटिया में रहता था और अधनंगा रहता था, उस देश में अब ये हालत है कि सारा मध्य वर्ग जो है वो अपने घरों को गोदाम बना के प्रसन्न है कि हम बड़े समृद्ध हो गए और हमने से अधिकांश के बेटे
बेटियां और पोते और पोतियां अमेरिका में हैं और अमेरिकी अर्थतंत्र की मजदूरी कर रहे हैं और आईआईटी पहुंच गए हैं और वहां मजदूरी कर रहे हैं और हमारी जिम्मेदारी कुल इतनी है कि कभी कभी हम उनके भेजे गए टिकट पर हम 4-5 महीने जाएं क्योंकि बेटा बहू या पतोहू नौकरी पे जाते हैं और जो बच्चे छोटे हैं उनकी देखभाल करना और हमारी जिम्मेदारी। तो मित्रों ये दृश्य है जो मुझे लगता है कि आज का दृश्य। अब मैं आपको संक्षेप में ये कहना चाहता हूँ कि इसमें साहित्य क्या कर सकता है या क्या कर रहा है। पहली बात तो मैं गांधी जी के कुछ अवधारणाओं का उपयोग करके अपनी बात करूँगा। उनके जो बीज शब्द हैं वैसे तो उन्हें गालिब के भी तोजी मिसरे याद आते हैं, उनका भी इस्तेमाल करना बुरा ना होगा। गालिब ने एक अपने शेर में कहा जौहरे थे पसर चश्मे दीगर मालूम, अब ये तो शुद्ध फारसी है इसको आप भूल जाइए, हूं मैं वो सब्जा कि जहरा उगाता है, मैं वो हरा पौधा हूं जिसको जहर का पानी उगाता है। इसको याद रखिए कि हम वो हरे सब्जे, हम तो खैर हरे भी नहीं रहे, अब तो क्या कहें झुलसे और मुरझाए हुए सब्जे हैं, लेकिन हमको भी जहर का पानी उगाता है। दूसरा उन्होंने एक और किस्सा था, ऐ पल्लवे खुर्शीदे जहां ताब इधर हो साये की तरह हम पे अजब वक्त पड़ा, हम पर जो वक्त है वो एक साये की तरह पड़ा। और तीसरा आप सब जानते हो कि बाजी चाहे खाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा है, तो शबो रोज तमाशा मेरे आगे। तो इनको याद रखें तो मेरी जो बातें हैं वो शायद आपको बेहतर समझ में आए। तो झूठों के बरक्स सच कहने, सच पर अड़े रहने और अलोकप्रिय होने का जोखिम उठा, लोकप्रियता का भी बड़ा भारी प्रलोभन हमारे समय में, कितने लोगों ने हमें पढ़ा, कितने लोगों ने लाइक किया वगैरह वगैरह, ये जो नई नई लोकप्रियता के उदाहरण हैं, इसके बजाय सच बोलकर और सच पर अड़े रहकर अलोकप्रिय होना अधिक मानवीय और अधिक साहित्य। तो याद करें गांधी जी का पद सत्या। दूसरा, घृणा हिंसा और झूठ के सभी गठबंधन, सभी मंच, सभी तरह की अभिव्यक्तियां, सभी तरह की सक्रियताओं से असहयोग कर। आपको याद होगा गांधी जी का सिर्फ शब्द असहयोग, तो साहित्य का काम ये है आपको ये प्रेरित करे कि आप इनसे असहयोग करें। तीसरा, ऐसे सभी उपक्रमों की जो झूठ घृणा हिंसा फैला रहे हैं, फिर वे सत्ता में है, मीडिया में है, धर्मों में हो, सविनय अवज्ञा, हम नहीं माने, चाहे वो धर्म नेता बोले, राजनेता बोले, अधिकारी बोले, दौलतमंद बोले, हम नहीं मानेंगे कि हमको झूठ और नफरत और हिंसा में किसी भी तरह से शामिल होना चाहिए, तो सविनय अवज्ञा। और गांधी जी ने ही सिखाया था कि जब सब लोग डर रहे हो, जब संतोलों पर डर का बहुत बड़ा शिकंजा, तब कम से कम साहित्य का काम तो निर्भय होना चाहिए, वो खुद निर्भय हो और अपने पाठकों को भी निर्भय बनाए। एक डर, किसी भी डर के सामने हम नहीं झुकेंगे न उससे आकेंगे। आपके पास बहुत दौलत है, आपके पास बहुत शक्ति है, आपके पास पुलिस है, सेना है, ये है, वो है, इससे हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमको
अपने सच पर यकीन है। चौथी बात, चौथा आप इसलिए कहता हूं कि आपको लगे कि अभी ज्यादा बातें नहीं करी गई, झांसा देने के लिए है। साहित्य ऐसे समय में अपने स्वराज पर ही इसरार कर सकता है, साहित्य अपना स्वराज। हम राजनेताओं की तरह, धर्म नेताओं की तरह आपको उपदेश दे ठीक है, ये हमारा काम है। हमारा काम तो जहां तक हमारी समझ में आता है, साहित्यकार वो लोग होते हैं जिनको सच बोलना तो आता है लेकिन अपने सच पर संदेह करना भी आता है। किसी ने हमें वो ठेकेदारी नहीं की है सच, हम जो कहेंगे वो सच ही है, इसलिए हम अपने सच पर संदेह भी करते हैं, हो सकता है कि सच ना भी। अब ऐसे समय इतना भयानक समय है जहां एक अभियान चला हुआ है कि जो कुछ पहले हुआ है हम भूल जाए और याद वो करें जो अब हो रहा है। तो साहित्य का एक काम है कि वो याद रखे, वो याद दिलाए और याद करने की ओर आपको बढ़ाता रहे। उसका दूसरा काम है कि वो सच बोले और सच बोलने वाली वालों की जोखिम में पड़ती बिरादरी में आपको शामिल करने के लिए उकसाता रहे। तीसरा काम जो राजनीति की सब ग्रासिकता हमको घेर रही है उसके बरक्स जो जीवन की बहुलता है, उसकी जो मानवीय ऊष्मा और गर्माहट है, उसमें जो समरसता है, उसकी जो संभावना है, उसमें जो विकल्प खोजने की शक्ति है, उसमें जो स्वप्न देखने का मात्रा है, इनकी रंगभूमि बना रही। अब तो बार बार कहा जाता है कोई विकल्प नहीं होता। साहित्य कभी ये नहीं मान सकता कि कोई विकल्प नहीं। साहित्य ने हमेशा विकल्पों की खोज की और वो विकल्पों की खोज से ही साहित्य की जो बुनियादी नैतिकता है वो लोकतांत्रिक बन गई। फिर साहित्य का काम है कि वो असहमति, आलोचना और प्रश्नांकन इनका शरण लिया। मैं तो यहां तक जाने को तैयार हूं कि क्योंकि हमारे सारे धर्म अपने ही अध्यात्म से विरत हो चुके हैं, दूर जा चुके हैं, ऐसे समय में साहित्य का एक काम हमारे इस अध्यात्म को बचाना है, उसका शरण लेना और इस कठिन समय में अंतःकरण, साहस और प्रतिरोध का, अध्यात्म और सत्य का साहित्य को शायद आखिरी पर बुर्ज होना चाहिए जो खड़ा रहे सारी अंधेरी आंधियों के बावजूद। अब मैं समापन करूँ, पहले जब लोग जो होते अपनी चर्चा सुनाने से बाहर नहीं आते क्यों तो बाबा साहब के अनुबंध से मैंने कुछ कोरस सीखे। ये आपको पता होगा कि ग्रीक नाट परंपरा में जब भयानक होने जा रहा होता है, जब भयानक हो चुका होता है तो कोरस और कोरस का ही पता नहीं होता कि किसी के काफी लोग कौन है। आमतौर पर वो साधारण लोग होते हैं तो उसी का एक हमारे शोक गीत का ये अंतिम चरण है। सत्ता, धर्म, घृणा, अन्याय, हत्या के उदय और अस्त की कथा एक बार फिर घटती और पूरी हो अनिवार्य दोहराव की तरह तब और जब इतिहास शोक नहीं मनाता तब हम पहचानने की कोशिश करते हैं भयानक रौरव के बाद भी बचे प्रेम को, न्याय को, सुंदरता और गरिमा को। हम यही बताने आते हैं कि सच लहू लुहान होकर भी हार नहीं मानता, इतना भी फटे हाल क्यों न हो गया हो चलता रहता है।
और उसकी रोशनी देर सवेरे सब पर गिरे। जो पाप करते हैं और मरते हैं, जो दूसरों का जीवन मुहाल कर मरते हैं, जो अपने लिए सबको बलि देकर मरते हैं, जो घृणा और झूठ में पलते और मरते हैं, जो दूसरों को गुमराह कर मरते हैं, उनका वित्त अंतिम मुकाम है। वे उसके बाद इतिहास में नहीं आते, मृत्यु उन्हें जीवन और इतिहास दोनों से मिटा दे। हम जो बचा है वो गायब न हो जाए, जो रचा गया है उसकी जगह घट न जाए, जो सहायक हुआ है अशक न पड़ जाए, हम उसकी चिंता करते हैं। हमारा शोक भी उम्मीद और प्रतीक्षा का एक बात है। धन्यवाद।